उद्देश्य के लिए शुरू की गया एक अभियान था। खुशियों का बैंक अभियान किस उद्देश्य पूर्ति के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, बेरोजगारी के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। नहीं, इसका सही आंसर है प्रदूषण को कम करने के लिए। खुशियों का बैंक इसका क्या है, अभियान किसके लिए समर्पित है? ये प्रदूषण को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप। हिमाचल प्रदेश ने कितने समय के भीतर सीवीआईजील ऐप, एक ऐप का नाम है सीवीआईजील ऐप, के माध्यम से 27 शिकायतों को समाप्त करने या फिर हल करने के लिए समय लिया है? मतलब उन्होंने क्या रखा हुआ है कि आपके पास एक टाइम लिमिट दी गई है कि इतने टाइम के अंदर हम इस ऐप के दौरान 27 जो आपके पास मुश्किल आपके पास शिकायतें हैं मुश्किल को हल करेंगे। तो 27 शिकायतों को समाधान हेतु कितना समय इस ऐप के द्वारा लिया जाएगा? इसका समय है 100 मिनट। 100 मिनट में ये क्या किया जाएगा, सॉल्व की जाएगी आपके पास कितनी समस्याएं और किस ऐप से? सीवीआईजील ऐप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हिमाचल प्रदेश के किस विभाग ने वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए ई वन डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है? कौन सा विभाग करेगा? ऑप्शन है आपके पास, पुलिस विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग और शिक्षा विभाग। ठीक है, वन्य जीव अभियान से रिलेटेड है तो कौन सा रहेगा इसका? वन विभाग। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं मैं। हिमाचल प्रदेश के किस विभाग ने वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए ई वन डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है? तो वह है वन विभाग। क्वेश्चन को, सिरमौर के किस दिन ईएमबीए कार्यक्रम शुरू किया? ईएमबीए फुल फॉर्म लिख लो उसकी, एक्सक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सक्यूटिव मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के राजभवन में गवर्नर कौन है? गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के राजभवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया। शिव प्रताप शुक्ला द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम है भारत की G20 अध्यक्षता, भारत की G20 अध्यक्षता। क्या नाम है पुस्तक का? आपको पता है G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 का सम्मेलन इतना न्यूज में रहा है, भारत में ही हुआ था, पता है ना कहाँ हुआ था? भारत में नई दिल्ली, जब प्रगति मैदान, जहां पे आपका क्या बना है नया संसद भवन, वहां पे आपके पास ये क्या किया गया था, G20 का सम्मेलन किया गया था। ये पुस्तक लिखी है किसने? वो कौन है, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हिमाचल सरकार ने कितनी, चला रहे हो
125 यूनिट। मध्य प्रदेश नदियों से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी बिजलियाँ या फिर आपके पास प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जैसे सबसे पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नाथ बाजार।